ओके गाइस, सेटिंग के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको पिक्चर के अंदर काफी अलग अलग मोड जो है वो देखने को मिल जाते हैं। लाइक विविड हो गया, आपका स्टैंडर्ड हो गया, आपका APS हो गया, आपका सिनेमा आ गया। आप देखेंगे पीछे पीछे कलर्स जो है वो हमारे चेंज हो रहे हैं। एंड उसके बाद आप यहाँ पे गेम ऑप्टिमाइजर का भी ऑप्शन कर सकते हैं, जिसमें आपकी जो स्क्रीन है वो एकदम डल हो जाती है थोड़ी सी। एंड उसके बाद आपकी आंखों पे जो लोड है वो नहीं पड़ता। अगर आप एक्स्ट्रा ब्राइटनेस में यूज़ करना चाहते हैं, देन आई वुड सजेस्ट कि आप जो विविड है उसका इस्तेमाल करें। आप देखेंगे यहाँ पे एडिशनल ब्राइटनेस जो है वो मिल जाती है। बट अगर आप एक अच्छा टेलीविजन देखना चाहते हैं, देन आई वुड सजेस्ट कि आप सिनेमा पे जो है उसको इस्तेमाल करें। वो उसके बाद उस पर कलर्स वगैरह काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एडवांस सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें हम ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, कलर्स एडजस्ट कर सकते हैं, क्लैरिटी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। साउंड के अंदर अगर मैं बात करूँ तो साउंड में हमें काफ़ी सारे मोड्स मिल जाते हैं, लाइक सिनेमा हो गया, क्लियर वॉइस हो गया, क्रिकेट हो गया, म्यूजिक हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। एंड इसके अंदर भी अगर आप साउंड आउट पे जाते हैं तो इसमें हम लाइक वायर्ड स्पीकर अलग से यूज़ कर रहे हैं, वायरलेस स्पीकर अलग से यूज़ करें, तो वो सारी सेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एंड इसके अंदर भी हमें यहाँ पे एडवांस सेटिंग मिल जाती है, जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे।